हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित गुप्ता और आज फिर से हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पिछली वीडियोस में हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में बात किया, जैसे टर्मिनल ट्रांसफरेज, और हमने बात कर लिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में, जो कि एंजाइम्स हैं। ये दोनों तरीके के एंजाइम्स होते हैं, एज वेल एज मॉडिफिकेशन एज वेल एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, जो कि दो कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। पहली कैटेगरी है एक्सोन्यूक्लियसेस, दूसरी है एंडोन्यूक्लियसेस। राइट, जब भी कभी एक्सो का मतलब साफ साफ है, जब भी कभी किसी भी डीएनए को हमें बाहर से तोड़ना है तो वो एक्सो है, और एंडो का मतलब है जब भी किसी डीएनए को कहीं से तोड़ना है, बीच में से कोई भी एक ऐसा ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है, ओवरहैंग बन रहा है या कोहेसिव एंड ऐसा बन रहा है जिसको आपको तोड़ के सही करना है, ओवरलैपिंग करानी है, तो उस हाइब्रिड को ओवरलैप कराने के लिए हम लोग एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस को यूज करते हैं। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। यहाँ पे ये देखिए, एक छोटा सा डीएनए है, थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन गुआनिन। राइट, ये क्या है, ये एक डीएनए हाइब्रिड है जिसका ये वाला जो है ए स्ट्रैंड स्ट्रैंड है और ये वाला बी स्ट्रैंड। अगर आप बी स्ट्रैंड को ध्यान से देखें तो बी स्ट्रैंड बहुत शॉर्ट है, और बी स्ट्रैंड के शॉर्ट होने की वजह से तो ये इसका डायरेक्शन लिख लेते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रैंड है ये कभी भी ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे, सही ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से एक परफेक्ट डीएनए हाइब्रिड को जो है ये नहीं बना पाएंगे। परफेक्ट कैसे होगा, अगर हम इस शॉर्ट डीएनए को दूसरा शॉर्ट डीएनए दे दें, मतलब कि अगर 5 प्राइम 3 प्राइम जो बना है स्ट्रैंड, अगर वो भी शॉर्ट ये हो गया डीएनए, तो हो सकता है या तो ये डीएनए स्ट्रैंड जो है एक्सटेंड कर जाए, मतलब कि अगर यहां पे थाइमिन एडेनिन है तो यहां पे एक थाइमिन और एक एडेनिन मिल जाए, और यहां पे अगर थाइमिन साइटोसिन खाली जा रहा है तो यहां पे एक गुआनिन और एक एडेनिन मिल जाए, तब हो सकता है। तो इसके लिए इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को पहले फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, माजरे को समझिए। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्मेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में अंदर वही बेसेस वही न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में कोहेसिव बॉन्ड्स या हाइड्रोक्सिल बॉन्ड से उनको जोड़ना पड़ेगा, और जब जुड़ जाएंगे फिर उसके बाद में उसको जो है दोनों टर्मिनी के बीच में भी जो है बॉन्ड्स बना के जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होने वाला है, लेबोरेटरी के अंदर बड़ा प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इट इज मोर टाइम टेकिंग ऑप्शन। राइट, तो अगर हम लेबोरेटरी के अंदर बात कर रहे हैं, अगर हमें इसी डीएनए को ओवरलैप कराना है तो हम वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे एंजाइम्स को जो इस बड़े डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दे, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ के वो एक ऐसा डीएनए बना दे जो कि ओवरलैपिंग कर सके। क्लियर है, कुछ नहीं है, केवल इतना है कि यहां पे अगर हम नए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को ज्वाइन करने की बात करें तो ये ज्यादा टाइम टेकिंग ऑप्शन होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे, ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, शुगर्स वहां पे जो है डिऑक्सीराइबोस शुगर की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक ज्यादा मटेरियल कंटेनिंग और ज्यादा टाइम टेकिंग ऑप्शन है। पर अगर यहीं पे वो इस कोहेसिव एंड, ये कोहेसिव एंड है, कोहेसिव एंड देखिए किसको कहते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दो तरीके के एंड होते हैं, एक होता है ओवरहैंग जो कि हैंग कर रहे हैं, तो ओवरहैंग तो अभी जब एंडोन्यूक्लियस को समझेंगे तब हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा एक्सोन्यूक्लियस को, और एंडोन्यूक्लियस को अभी थोड़ी देर बाद ही क्लियर करते हैं कि उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो इन डीएनए स्ट्रैंड को यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं टी ए जी सी टी ए जी सी टी ए जी सी टी। राइट, और ये डीएनए स्ट्रैंड है, तीसरा वाला ग्वानिन, तो ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन एडेनिन, अगेन थाइमिन साइटोसिन, ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन, तो ये है डीएनए स्ट्रैंड, मतलब कि ये वाला जो एरिया है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कोहेसिव एंड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या ओवरहैंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है, आगे भाग रहे एंड को कहेंगे कोहेसिव एंड, मतलब कि जिसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, जो अपने आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के हाइब्रिड नहीं बना पा रहा है, वो आगे भागा जा रहा है, उसको कोहेसिव एंड कहेंगे। और ओवरहैंग कहते हैं कि अगर दो हाइब्रिड नहीं बन रहे हैं
और एंड सिंगली भाग रहा है तो उसको कहते हैं ओवरहैंग। ठीक है, तो ये एक ओवरहैंग बन रहा है, आप देख रहे हैं दो दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का ओवरहैंग यहां पे बन रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस एरिया को निकाल देना है, क्योंकि फिर से पहली बार टाइम टेकिंग ऑप्शन है, तो इस एरिया को अगर हम निकाल दें तो जल्द से जल्द वो क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो कुछ ना कुछ यहां पे ऐसा ही है कि ये डीएनए ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि यहां पे ओवरहैंग बन गए हैं, तो ये ओवरलैपिंग ना होके ये ओवरहैंग को जनरेट कर रहा है, मतलब कि ये एंड और ये एंड सीधे भाग रहे हैं। तो अब यहां पे हमने करना क्या है, अब यहां पे इंट्रोड्यूस हम लोग करेंगे एक्सोन्यूक्लियस को। एक्सोन्यूक्लियसेस आर द एंजाइम दैट ब्रेक्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट 5' and 3' ओवरहैंग एरिया, राइट। इफ वी हैव टू ब्रेक एनी बॉन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एरिया मीन्स 5' and 3' एरिया ऑफ एनी डीएनए सेगमेंट, देन द एंजाइम दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड विल बी एक्सोन्यूक्लियसेस, राइट। व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स विल बी यूज्ड, एक्सोन्यूक्लियसेस। बट एट द सेम केस इफ यू वांट टू ब्रेक एनी बॉन्ड इन बिटवीन द डीएनए मीन्स इट इज वेरी फार अबव फ्रॉम 5' and 3' एंड ऑफ द डीएनए, देन इन द सेम केस endonucleases will be added, right? Or we will introduce endonucleases at the same place. But the case that we are talking is the 5' and 3' overhangs are generated at the 5' and 3' external areas. So to break external areas, we have to break from the external area, these two nucleotide base pair, these two nucleotide base pair. We have to break from these areas. So for breaking these two nucleotide base pair externally, from external areas, exonuclease will be introduced in certain hybrid where cohesive end or overhangs are there. Understood? ये बात समझ में आ रही है आपको, right? तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक बिजली की तरह बनाते हैं, ये देखिए एरो इस तरीके से, जब भी कभी किसी भी हमने इंट्रोड्यूस करना है न्यूक्लियस को, तो अगर हम लिख रहे हैं कॉपी में तो कैसे लिखेंगे, ये इस तरीके से एरो, जैसे कड़कती हुई बिजली होती है वैसा एक एरो हम लोग बना देते हैं, राइट। सो दिस काइंड ऑफ एरो विल बी मेड एट दिस एरिया वेयर फ्रॉम वेयर द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन, दैट्स व्हाई आई हैव फॉर्मड ओवर हियर द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज। रुक, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की लिंकेज मैंने बना रखी है इसी के इन्हीं एसोसिएटेड न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बाहर, क्योंकि मुझे यह समझाना था कि एक्सोन्यूक्लियस सबसे पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे वार करेगा, वो क्या करेगा, यहां पे अगर आएगा यहां से तोड़ रहा है तो सबसे पहले किसको तोड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो तोड़ देगा, मतलब कि एक ईस्टर बॉन्ड को, सिंगल ईस्टर बॉन्ड मींस पी एंड अ सिंगल राइबो सुगर विल बी ब्रोकन आउट, एंड ड्यू टू द ब्रोक डाउन ऑफ दीज सिंगल सिग्मेंट्स द टू ऑफ द और थ्री ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर will adjoin from the DNA segment directly. तो क्या होगा कि क्योंकि ये एक देख रहे हैं आप, हमने एक यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस ने डिटेक्ट किया कि एक्सटर्नली यहां पर कोहेसिव एंड्स, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नली यहां पर ओवरहैंग्स बन रहे हैं, उसने डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करते ही जाके एक्सटर्नल एरिया पे, मतलब कि 5' 3' एरियाज पे जाके उसने अपना वार किया और एडेनिन थाइमिन को अलग कर दिया, यहां पे एडेनिन और थाइमिन ये अलग हो गए, एडेनिन थाइमिन अलग हो गए और ग्वानिन थाइमिन ये भी अलग हो गए, अंडरस्टूड। तो हुआ क्या, तो होता क्या है, एक्सोन्यूक्लियस को समझाने के लिए एक छोटा सा और डायग्राम बनाते हैं, तो ये आप समझ गए क्या हुआ, टूट गया। अब ये जो हमने ब्रेक डाउन किया है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का या न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का, अब आप यहां पे देख रहे हैं ये पहला डीएनए स्ट्रैंड था जिसका ये एरिया कोहेसिव एंड था, ठीक है, कोहेसिव एंड को डार्क कर देते हैं, ये एरिया कोहेसिव एंड था, और ये दूसरा डीएनए सेगमेंट था जो कि इसके साथ में ओवरलैप करने को रेडी था, बट कोहेसिव एंड्स की वजह से ओवरलैप नहीं कर पा रहा था। अब यहां पे हमने क्या किया, इन कोहेसिव एंड्स को, इन ओवरहैंग्स को हमने एक्सोन्यूक्लियस से जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एक्सोन्यूक्लियस यहां पे इस एरिया को तोड़ देंगे और दोनों डीएनए सेगमेंट रेडी टू ओवरलैप हैं,
अब दोनों के दोनों जो डीएनए सेगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे और एक अच्छा खासा डीएनए सेगमेंट को फॉर्म कर देंगे, हाइब्रिड को फॉर्म कर देंगे। दोनों हाइब्रिड अब बन जाएंगे, हाइब्रिड बन गया मतलब कि डीएनए सेगमेंट रेडी है, और यही कार्य होता है एक्सोन्यूक्लियसिस का। राइट, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया एक्सोन्यूक्लियस किस तरीके से वर्क करते हैं। बहुत तरीके के एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी अंत में देते हैं वीडियो में कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के कुछ नाम मैं आपको बता दूंगा, और उनका एक अपना साइट है कि जिस साइट पे वो काम करते हैं, और उसी साइट को अगर हम रिकॉग्नाइज कर लें या वो एंजाइम रिकॉग्नाइज कर ले तो वो परफेक्टली वही एंजाइम वहां पे जाके वर्क करेगा। तो उसके बारे में भी हम अंत में वीडियो में बात कर लेंगे कि कौन कौन से एक्सोन्यूक्लियस हैं। अब एंडोन्यूक्लियस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, सो आप समझते हैं कि एक्सोन्यूक्लियस के बाद में एंडोन्यूक्लियस कैसे वर्क करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर एक डीएनए सेगमेंट बनाते हैं, छोटा सा डीएनए सेगमेंट है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, ये डीएनए सेगमेंट है फॉर एग्जाम्पल। नीचे जो डीएनए सेगमेंट है वो है थाइमिन थाइमिन साइटोसिन, यहां पे गुआनिन थाइमिन, अब यहां पे थाइमिन की जगह पे रख देते हैं हम लोग एडेनिन, राइट, क्या रख दिया हमने एडेनिन रख दिया, और यहां पे एडेनिन के बाद में थाइमिन रख दिया, और यहां पे रख दिया गुआनिन थाइमिन एडेनिन, ये डीएनए सेगमेंट है। तो अब यहां पे आप कमी देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमी में आप क्या देख रहे हैं, कमी आप ये देख रहे हैं कि सर यहां पे तो होना चाहिए था एडेनिन के साथ में थाइमिन का हाइब्रिड, क्योंकि हमने डीएनए बनाना है, डीएनए के में हमको पता है कि बॉन्ड्स किसके साथ में बनते हैं, एडेनिन के साथ में, हमसे थाइमिन जुड़ता है, गुआनिन के साथ में साइटोसिन जुड़ता है, तो यहां पे भी एक मिस्टेक हो गई हमसे थाइमिन, ये मिस्टेक नहीं है, ये हम एक ऐसा डीएनए बना रहे हैं जो ओवरलैप नहीं कर पाया। क्यों नहीं ओवरलैप कर पाया, क्योंकि इसमें क्या था, लैकिंग ऑफ सर्टेन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर एंड देयर आर सर्टेन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर दैट आर एडेड दैट वर नॉट नीडेड बाय द हाइब्रिड दैट वर नॉट नीडेड बाय द डीएनए हाइब्रिड। डीएनए को हाइब्रिड बनाने के लिए इन बेस पेयर्स की जरूरत नहीं थी, पर यहां पे ये बेस पेयर है, अब हम क्या करें सर, क्योंकि अगर हम बात करें कि एक्सोन्यूक्लियस की, तो एक्सोन्यूक्लियस तो वर्क करता है 5 प्राइम 3 प्राइम पे या 3 प्राइम 5 प्राइम से तोड़ता है, ठीक है, मतलब कि वो एक्सटर्नली ही तोड़ पाएगा, ज्यादा ज्यादा इन दो बेस पेयर्स को तोड़ देगा, इन दो को तोड़ देगा, मतलब एक्सटर्नली हमको नहीं तोड़ना है, हमको बीच में से ये दो बेस पेयर निकालने हैं और लाइगेज से, लाइगेज की या डीएनए पॉलीमरेज की मदद से हमको यहां पे दो बेस पेयर्स को डालना है। अब लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप पहली बार बायोटेक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो एंजाइम्स हैं जो कि मॉडिफिकेशन एंजाइम भी हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी हैं, अपनी अपनी जगह पे दोनों बखूबी काम करते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी अभी इस चीज पे ना पढ़िए कि लाइगेज और पॉलीमरेज क्या होता है, अभी मैं जल्दी से शॉर्ट डेफिनेशन दे देता हूं। लाइगेज एक एंजाइम है जो कि जोड़ने का काम करता है, मैक्सिममली मॉडिफिकेशन उसका काम है जोड़ने का, दो डीएनए, अब ये डीएनए स्ट्रैंड है उसके बीच में निक आ गई, मतलब कि एक गैप आ गया, मतलब कि अगर हमने चलिए इसको हम बाद में समझते हैं, पहले एंडोन्यूक्लियस को डाल देते हैं यहां पे, फिर हम बताते हैं कि पॉलीमरेज और लाइगेज क्या है, शॉर्ट डेफिनेशन आपको देंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने ऐड कर दिया किसको, एंडोन्यूक्लियस को। अब एंडोन्यूक्लियस को हमने यहां पे ऐड कर दिया है, एंडोन्यूक्लियस यहां पे एडेड है, एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, डिटेक्ट किया एडेनिन और थाइमिन को, और डिटेक्ट, और हमने परफेक्ट एंडोन्यूक्लियस को भी ऐड किया, वो एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस होगा जो एडेनिन और थाइमिन को ही केवल तोड़ेगा, ठीक है। तो अगर जैसे ही इसने डिटेक्ट किया एडेनिन और थाइमिन को, ये तुरंत ही क्या करेगा, इन दोनों को यहां से एक्सट्रैक्ट कर देगा, या ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा उस एरिया में। सो द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर ऑफ दिस टॉपिक एंडोन्यूक्लियस, दैट इज वेन एवर इन अ डीएनए हाइब्रिड अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वेरी फार अबव फ्रॉम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड इज टू बी ब्रोकन, देन एंडोन्यूक्लियसेस आर रिप्रेजेंटेड और इंट्रोड्यूस इन सच हाइब्रिड टू ब्रेक the nucleotide base pair that are far above from the external area, means
5 prime and 3 prime area. It is very far above. If you can see it clearly, that 5 prime area starts from adenine, thymine. So if we have to break 5 prime area, then adenine, thymine, guanine and thymine, then the whole of the DNA will be broken. But what we have to do is that we have to break the nucleotide base pair in between the hybrid very far above. If only the two of these nucleotide base pairs are target at this area. So when the target is in between the DNA strand, then such equation will be introduced by endonucleases over there, and endonucleases will do what? Endonucleases will directly degrade this area, adenine and thymine area. How it will degrade? It will firstly break the phosphodiester bond. That is the external packaging of the whole DNA segment. It will first break the phosphodiester bond, then it will extract out or it will degrade out the nucleotide base pair in between the whole strand, and the degraded nucleotide base pair will be carried out elsewhere using ligase and polymerase. Matlab ki kahin pe bhi dusra wo DNA hybrid hai, वहां पे अगर एडेनिन और थायमिन की जरूरत है उसको डिग्रेड करके निकाल दिया गया है, तो लाइगेज और पॉलीमरेज क्या करेंगे? लाइगेज काम करेगा जोड़ने का, पॉलीमरेज काम करेगा उनके पॉलीमर्स बनाएगा, उनको डीऑक्सीराइबोज के साथ में जोड़ के उनका जो है एक स्ट्रैंड को फॉर्म करेगा और वहां पे ले जाके जोड़ देगा जहां पे उस परफेक्ट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की जरूरत है. इसका ये मतलब था. तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंडोन्यूक्लियसेस का भी क्लियर है. अब इंडोन्यूक्लियसेस को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम और बनाते हैं. एक और छोटा सा केस है जो कि बात करते हैं जिसके बारे में, जो कि इस केस से बिल्कुल रिवर्स होने वाला है. उसमें आप कहोगे सर अगर हम चाहते तो यहां पे एंडोन्यूक्लियसेस को भी यूज कर सकते, एक्सोन्यूक्लियसेस को भी यूज कर सकते थे, राइट? सो किसको यूज कर सकते थे? एंडोन्यूक्लियसेस को भी. बट यहां पे हमने क्या यूज किया? हमने यहां पे यूज किया एंडोन्यूक्लियसेस को. अब देखते हैं वो केस कौन सा है, ठीक है? मतलब दोनों यहां वहां पे यूज हो सकते थे, एक्सोन्यूक्लियसेस भी यूज हो सकते थे, एंडोन्यूक्लियसेस भी यूज हो सकते थे, लेकिन हमने वहां पे परफेक्टली यूज क्यों किया एंडोन्यूक्लियसेस को, उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट? ओके, सो एंडोन्यूक्लियसेस को और हम कहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक और केस के बारे में बात. यहां पे आपको एक डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं इसके कोहेसिव एंड बन रहा है. कोहेसिव एंड मतलब कि आगे बढ़ा हुआ एंड जिसका कोई अंत ना हो. तो ये कोहेसिव एंड बनता जा रहा है, पर ये क्या है, ये ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब हाइब्रिड नहीं बना पा रहा है एक एरिया पे. वो एरिया कौन सा है? वो एरिया है यहां से, यहां से हाइब्रिड नहीं बन पा रही. क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि ऐसे कुछ जो है, ये देखिए यहां से हाइब्रिड नहीं बन पा रही. क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि ऐसे कुछ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं यहां पे जो कि इस बेस पेयर के साथ में जो है करस्पॉन्डिंग नहीं दिखा, मतलब कि इस बेस पेयर के साथ में अल्टरनेट चल नहीं पा रहे हैं. अल्टरनेट चलने का मतलब यही है कि अगर ये जो है बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं, हाइड्रोक्सिल या कोहेसिव बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं, तो ये दोनों बेस पेयर जो है कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये जो है अल्टरनेट चलने लगेंगे आपस में. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको इन बेस पेयर को निकालना है ताकि कोहेसिव एंड ना बने और इसका डीएनए का एक हाइब्रिड बन जाए. तो अब आप देखिए यहां पे हमको इस वाली स्ट्रैंड पे वर्क करना है. कौन से स्ट्रैंड पे वर्क करना है? ये हमारा था पहला स्ट्रैंड था 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे हमको वर्क करना है. मतलब कि हमको वर्क कौन से स्ट्रैंड पे करना है? छोटे वाले पे नहीं करना. छोटा वाला कौन सा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है. हमको वर्क करना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड पे. तो अब सबसे बड़ा यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो यार ऐसा चीज है जिसमें हम एक्सोन्यूक्लियस को डाले तो वो डिटेक्ट करते 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 जाके यहां पे तोड़ देगा, बट ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम वापस देखें हमारी जो डेफिनेशन थी एक्सोन्यूक्लियसेस की, एक्सोन्यूक्लियसेस आर द एंजाइम्स दैट वर्क एक्सटर्नली एट 5 प्राइम 3 प्राइम एंड्स, दैट्स इट. यही थी हमारी डेफिनेशन, वो मैंने बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लंबा बना दिया था. ये छोटी सी डेफिनेशन है एक्सोन्यूक्लियस. अगर हम बात करें तो ये दिस इज फार अबव फ्रॉम द 5 prime end of this DNA hybrid or DNA strand B. Now, what will we do? What is the suggestion over here? What type of enzyme can be used over here that can resolve the problem? Let's talk about this. So, when we are talking about strand B,
this is a strain that is a cohesive strain going without any end, and we have to break, we have to degrade in between the strain, means far above from 5 prime end. Now when we are talking about 5 prime end, then exonuclease it can be used because it is external area, but far above means it is internal area now. And when we have to detect an internal area, and we have, when we have to degrade from an internal area in a hybrid, then what we will do, we will introduce an endonuclease over here. Endonuclease will detect a cohesive end, and straight away it will work degrading the cohesive end linearly, means a linearity will be made by it. It will move from very first the thymine area. Thymine is the area from where it has to start its working. From the thymine area, it will go linearly, and till the end 5 prime, it will degrade the whole area. And this working will be directly coordinated by endonucleases. मतलब समझिए इसका, मतलब कि थाइमिन पे यहां से हमको डिग्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे, अंदर से हम शुरू करेंगे. अंदर से शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एंडोन्यूक्लियस को ऐड करेंगे. अब हम यहां पे इस काम को आसान बनाने के लिए एक एक्सोन्यूक्लियस को भी यहां पे ऐड कर सकते हैं, ताकि वो 5 प्राइम को भी तोड़ दे. लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि एक्सोन्यूक्लियस को ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो तोड़ेगा 5 प्राइम एंड को, हमको तोड़ना अंदर से. तो ये एंडोन्यूक्लियस यहां पे क्या काम करेगा, अंदर से इस डीएनए को तोड़ देगा. और वंस द डीएनए इज ब्रोकन, वंस दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ब्रोकन, दिस ओवरहैंग विल स्ट्रेट अवे बी चेंज्ड इनटू द बॉन्डिंग ऑफ द टू हाइब्रिड्स, राइट, मींस टू ऑफ द स्ट्रैंड विल मेक अ हाइब्रिड नाउ, दे विल ओवरलैप विद ईच अदर. सो द थिंग इज कॉमनली very very much clear that the endonuclease is an enzyme that works in between any of the strand, that's it. Internal area endo, external area exo. Now thank you guys इस वीडियो को देखने के लिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.